हेलो दोस्तों, कुक विद मनु पर आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल मीठी सी यमी सी रेसिपी, गुलाब जामुन। तो चलिए हम गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये गुलाब जामुन की रेसिपी जो है मैंने इंस्टेंट मिक्स से बनाई है, तो ये जो है बहुत ही क्विक बनने वाली है और बिल्कुल एकदम मावा वाली जो गुलाब जामुन होती है वैसी ही बनेगी, साथ ही में बहुत ही यमी सा टेस्ट भी देने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मीठी सी गुलाब जामुन की रेसिपी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन का पैकेट लिया है इंस्टेंट मिक्स का, साथ ही में मैंने यहाँ पे 1.5 कप के बराबर, लगभग 400 ग्राम के बराबर की मैंने ये शक्कर ली है। तो हम यहाँ पे शक्कर की चाशनी बनाएंगे सबसे पहले, और फिर हम ये जो मिक्स है इसे लगा कर एक आटा लगा लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये पैन, और पैन में हम डाल देंगे शक्कर। तो जितनी हमने शक्कर ली है उतना ही हमें पानी डालना है। तो ये मैंने शुगर डाल दी है, ये 250 ग्राम के बराबर वाला जो है वो कप है उससे, और आधा और मैंने लगभग 400 ग्राम के बराबर यहाँ पे डाल दिया है पानी भी। तो ये बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में जितनी मैंने शुगर ली है उतना ही मैंने पानी डाला है। आप इसका मेज़रमेंट किसी ग्लास से किसी कटोरी से भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे, गैस का फ्लेम हम रखेंगे लो टू मीडियम, और जो शुगर है उसे अच्छी तरीके से हम मेल्ट होने देंगे। तो इस तरीके से हम बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे, जहाँ तक जो शुगर है जब तक मेल्ट नहीं होती तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। और यहाँ पर मैंने ये 4 इलायची डाल दी है, थोड़ा सा कल्लड़ में जो है मैंने कूट कर, मतलब कि क्रश करके मैंने डाल दिया है। शुगर हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, जैसे अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। गैस का फ्लेम अब मैंने लो कर दिया है, लो फ्लेम पे हम शुगर को रख कर इस तरीके से छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें एक तार, दो तार या किसी भी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें शुगर को मेल्ट करना है, और वही चाशनी जो है हम गुलाब जामुन में यूज़ करने वाले हैं। ज़्यादा थिक हो जाएगी तो गुलाब जामुन में जो है रस नहीं जा पाएगा। तो तब तक हम यहाँ पर लगा लेते हैं आटा। तो इस पैकेट को हम खोल लेते हैं और एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप कोई सी भी कंपनी का गुलाब जामुन मिक्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिया है हम वही लें। सारे गुलाब जामुन के जो इंस्टेंट मिक्स होते हैं वो बिल्कुल सेम टेस्ट देते हैं, एकदम मावा वाला टेस्ट देते हैं। तो ये जो है पैकेट मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, और इस पे लिखा है कि इससे बनने वाली है लगभग 40 गुलाब जामुन। तो देखते हैं हम कितनी गुलाब जामुन बनाते हैं इससे। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, थोड़ा सा मॉइस्चर जैसा ऑलरेडी रहता है। इसमें हमें डालना है हल्का हल्का पानी, और इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा मुलायम सा आटा हमें लगा लेना है। ध्यान रहे कि आटा हमें बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, टाइट नहीं लगाना है, पानी कम कम डालना है। यहाँ पे आप पानी की जगह दूध का यूज़ भी कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ पानी का यूज़ करके आटा लगा रही हूँ। यदि आप दूध लेते हैं तो एक बार उबाल लेने के बाद जो नॉर्मल दूध हम लेते हैं वो लें, कच्चा दूध ना लें, ना ही ज़्यादा गर्म दूध लें, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध या पानी लें और इससे आटा लगा लें। तो यहाँ हम आटा लगा रहे हैं, तब तक जो हमारी चाशनी है उसे भी देख लेते हैं। तो जो शुगर है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा था। तो अब बस हमें ज़्यादा देर नहीं करनी है, गैस का फ्लेम हमें करना है बंद और शुगर को होने देना है, मतलब कि शुगर सिरप को हमें होने देना है कूल डाउन। तो बस, और आटा भी हमारा हो चुका है। तो देखिए मैंने बिल्कुल यहाँ पर सॉफ्ट आटा लगा कर रेडी कर लिया है। तो ये बिल्कुल चिकना आटा, जैसे हम जो हमारी रोटी या पराठे का लगाते हैं वैसा आटा नहीं लगेगा, ये इस तरीके का लगेगा। और ये जो बाउल में हमारा चिपक जाता है इस तरीके से, ये जो है लास्ट में थोड़ा सूखने के बाद ही निकलेगा, या फिर हम स्पून की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इसे हम घी के हाथों से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा हमें इतना सॉफ्ट बनाना है कि इस तरीके से हम हाथों पर रख के ये बॉल बनाएं तो बॉल बनने लगे। बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। यदि आटा आपका थोड़ा सा गीला हो भी जाता है तो इसके लिए आपको इसे फिर रेस्ट के लिए छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हम इसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं ये जो है ये टाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस अब हम बना लेते हैं इसके पेड़े, छोटे छोटे जो हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। तो यहाँ पर मैं बिना देर किए इसे बना रही हूँ, क्योंकि मैंने जो आटा है बिल्कुल सॉफ्ट लगाया, इसे हमें और टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने हाथों पे लगा लिया है हल्का सा घी,
और अब हम इसकी बॉल्स लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके की छोटी छोटी बॉल्स हम जो है ले लेंगे। आप अपने शेप के पसंद के अनुसार शेप लें, जितना आपको बनाना है। मैं बिल्कुल छोटा ले रही हूँ क्योंकि ये जो है फ्राई होने के बाद डबल हो जाते हैं और उसके साथ ही चाशनी में जाने के बाद भी बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से इसे बीच में हाथों में रख के मैंने गोल घुमाया है, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। और ये सिर्फ आटा सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा तो ही बनेंगे। यदि आपके गुलाब जामुन में लाइन्स आ रही हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि आटा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो इसी तरीके से जो है बाकी सारे भी मैं बनाकर रेडी कर लूँगी। आटा हमें बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम रखना है, जिससे कि हाथ में हम जैसा शेप देंगे वैसी ये बनकर रेडी हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर दोनों हाथों में इस तरीके से हम बीच में जगह बनाते हुए गोल 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 हाथों से घुमाते जाना है और ये बनकर रेडी हो गई हैं। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ हमें किस तरीके से बनाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें लेना है। यदि आपकी गोल नहीं बन रही तो सबसे पहले हमें ऐसे गोल गोल घुमाना है, बिल्कुल जैसे हम लंबा कुछ बना रहे हैं। उसके बाद हाथों की हेल्प से हमें अंदर उसे ऐसा गोल घुमाना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे घुमाएंगे हम तो इसमें बिल्कुल भी लाइंस नहीं बनेंगी, बिल्कुल बिना लाइन वाला बिना क्रैक वाले हमारी गुलाब जामुन बनेगी। देखिए बिल्कुल सॉफ्टली हाथों से मैं इसे घुमाती जा रही हूँ घुमाती जा रही हूँ। तो ये तरीका आप यूज़ करेंगे तो आपकी गुलाब जामुन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। तो देखिए ये रेडी हो गई है। इसी तरह से हम बाकी की सारी गुलाब जामुन बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी गुलाब जामुन बना के रेडी कर दी है और गैस पर मैंने तेल पहले ही रख दिया था, जिसकी फ्लेम मैंने बिल्कुल लो करके रखी हुई थी। तेल को बहुत ज़्यादा देर तक गर्म नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। मैंने सिर्फ इसे 2 या 3 मिनट पहले ही तेल को डाला है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके रखा है। और अब हम इसमें एक एक करके सारी गुलाब जामुन डाल देंगे। तो ध्यान रखें इस बात का, गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो करके गुलाब जामुन डालनी है। तो देखिए अब ये जो है ये अच्छी तरीके से हो गई हैं, ये नीचे से थोड़ी सी चिपक गई हैं क्योंकि तेल मैंने बताया कि ठंडा है। हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरीके से हम उठाएंगे, यदि ये उठ रही हैं तो, नहीं तो फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और यदि आप नॉनस्टिक पैन यूज़ करेंगे तो गुलाब जामुन के चिपकने की कोई बात ही नहीं रहेगी। पर मैंने यहाँ पे भारी तले वाली जो है वो कढ़ाई ली है क्योंकि इसमें गुलाब जामुन बहुत ही आराम से फूल कर बिल्कुल आराम से बनेंगी, जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरीके से हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है। देखिए लगभग 5 मिनट बाद इतना कलर आता है इसमें और इन्हें फ्राई होने में कम से कम लगेंगे 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते हैं, जो कि तेल पर गैस पर और कढ़ाई पर डिपेंड करेंगे, तो 30 मिनट भी इसमें लग सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इन्हें चलाते हुए इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो रखना है, इस बात का ध्यान रखें। इसे बीच बीच में चलाते रहना है, हर साइड से बिल्कुल डार्क होने तक हमें इसे पकाना है। तो ये शुगर सिरप जो थी मैंने दूसरे बाउल में निकाल के रख ली है, जिसमें हम इसे रखने वाले हैं गुलाब जामुन को। देखिए मैं इन्हें कंटिन्यू चला रही हूँ, बहुत ही ईजी सा तरीका है ये इसे बनाने का। ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं और देखिए साइज़ भी जो था इनका बिल्कुल डबल हो गया। जो मैंने छोटी छोटी बॉल्स डाली थी वो अब बड़ी हो गई हैं बिल्कुल डबल। तो इस तरीके से किनारों पे हम इन्हें लेके आएंगे और देखिए किनारों पे बिल्कुल इनका ऑयल जो है वो जा चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे ये सिरप में गुलाब जामुनों को। तो यहाँ चम्मच जो है बिल्कुल भी गुलाब जामुन से टच नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। और जो आप गुलाब जामुन जिस छन्नी से हम इसमें डाल रहे हैं उसे थोड़ा दूर रखें, क्योंकि अगर उसमें चाशनी लग गई और वो हमने कढ़ाई में डाला गर्मा गर्म तो वो जो तेल है वो तड़कने लगेगा। तो इसी तरह देखिए मैंने छोटी बड़ी ढेर सारी गुलाब जामुन और बना ली हैं। ये मैंने अपने शेप के अकॉर्डिंग बनाई हैं कि मुझे कुछ छोटी चाहिए कुछ बड़ी चाहिए। और सारी गुलाब जामुन को मैंने डाल दिया है चाशनी में। तो जो जो गुलाब जामुन रेडी होती जाती है वो नीचे बैठती जाती है तलवे में, और जो उठी हुई रहती हैं मतलब कि उनमें चाशनी जो है अभी नहीं गई है। तो इस तरह से हम सारी गुलाब जामुन बनाकर रेडी कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे सारी गुलाब जामुन बनाकर रेडी कर ली हैं और यहाँ पे 40 जो था वो लिखा हुआ था गुलाब जामुन पे, और मेरे सिर्फ यहाँ पे 30 ही गुलाब जामुन बनकर रेडी हुई हैं, क्योंकि मैंने कुछ छोटी और कुछ बड़ी भी बना ली हैं। तो चम्मच को बिल्कुल हल्के हाथों से चलाएंगे
इस तरीके से कि वो जो है गुलाब जामुन फटे नहीं, क्योंकि अब ये फूल चुकी है, इसमें चाशनी भी जा चुकी है। देखिए कितनी यमी सी परफेक्ट सी गुलाब जामुन बनी है, बिल्कुल इंस्टेंट सी हलवाई जैसी गुलाब जामुन हमारी बनकर घर पर तैयार हो जाती है बिना ही किसी झंझट के और बिल्कुल आराम से। इसी तरह आप भी गुलाब जामुन बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी जो है वो कैसी लगी और आपसे कैसी गुलाब जामुन बनी है। बहुत ही इजी है ये गुलाब जामुन बनाना, कोई भी घर पर इससे कि गुलाब जामुन बना सकता है। यदि हमारे घर पर कोई फंक्शन है, गेस्ट आने वाले हैं, तो हम पहले से ये बनाकर रख सकते हैं और जो बिल्कुल ही मार्केट वाला टेस्ट भी देंगे। तो अब हम इसे कर लेते हैं सर्व और करते हैं हम इन्जॉय। तो आप इन्हें रखिए, बिना फ्रिज के भी आप इन्हें रख सकते हैं और यदि आप फ्रिज में रखते हैं तो भी आप इन्हें रख सकते हैं और चाशनी में इसी तरह आप डूबे भी रहने दे सकते हैं। और यदि आपको चाशनी में डुबा कर नहीं रखना है तो आप इन्हें निकाल कर भी रख सकते हैं और इन्हें चाशनी डालकर आप ऊपर से फिर सर्व कीजिएगा। तो ये जो हो गई है हमारी बिल्कुल रेडी गुलाब जामुन, यमी सी। मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट किया, ये बिल्कुल इंस्टेंट है, मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा है क्योंकि हम जितनी ज़्यादा देर रखेंगे चाशनी उतनी ही जाएगी। देखिए अंदर से कितनी यमी सी दिख रही है, चाशनी अंदर तक पहुँच गई है। तो आप भी बनाइए ये जूसी सी गुलाब जामुन और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी गुलाब जामुन कैसी बनी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।